हेलो फ्रेंड्स, आई एम हिमता गौतम। वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स इन द SVK इंग्लिश क्लासेस। आज मैं पास्ट इनडेफिनिट टेंस के आपको एक्टिव और पैसिव बताने जा रही हूँ। लेकिन फ्रेंड्स, इसके एक्टिव पैसिव बताने से पहले मैं सभी स्टूडेंट्स से ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, यदि किसी भी स्टूडेंट्स ने मेरी पहली वीडियो को वॉच नहीं किया है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जा कर के मेरी पहली वीडियो को वॉच कर सकते हो। क्योंकि फ्रेंड, मैंने आपके लिए प्रेजेंट इनडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट की तीनों के फ्रेंड्स मैंने आपको एक्टिव पैसिव डाल दिए हैं, तो फ्रेंड आप मेरी वीडियो को वॉच कर सकते हो। तो फ्रेंड, अब मैं आपको सिंपल इनडेफिनिट, कौन सा पास्ट सिंपल इनडेफिनिट के बारे में बता रही हूँ। तो फ्रेंड, सबसे पहले क्या होता है, सब्जेक्ट आता है इसमें, फिर मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, फिर क्या आता है फ्रेंड्स में, एक्सेट्रा आता है। तो इसको हम एक्टिव को जब पैसे में चेंज करते हैं तो हम ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे। फिर सेकंड फॉर्म को फ्रेंड हम वॉज वर्ब में चेंज करते हैं, तो सब्जेक्ट वॉज वर्ब प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एसेट्रा। जैसे कि फ्रेंड आप देख रहे हो कि आई किल्ड ए बर्ड, ठीक है, मैंने एक चिड़िया को मारा। किसको मारा? चिड़िया को मारा। तो फ्रेंड किसको मारा? चिड़िया को मारा। चिड़िया हमारी क्या है यहाँ पर? एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और फ्रेंड कैसा ऑब्जेक्ट है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो फ्रेंड अ वर्ड वाज किल्ड बाई मी। तो फ्रेंड अब मैं आपको नेगेटिव सेंटेंस बताने जा रही हूँ। जैसे फ्रेंड पहले सब्जेक्ट आता, फिर डिड आती, फिर नॉट आती, फिर मेन और फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर एसेट्रा। तो फ्रेंड हम इसको पैसिव में कैसे चेंज करते हैं? पहले सब्जेक्ट करते हैं, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट करते हैं, फिर वॉज वर्ब, है ना। डेट को कैसे में चेंज करेंगे फ्रेंड? वॉज वर्ब में चेंज करते हैं, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई, फिर ऑब्जेक्ट, फिर एसेट्रा, ठीक है। जैसे कि फ्रेंड मैं आपको एग्जाम्पल में बता रही हूँ, ही डिड नॉट राइट अ लेटर। तो ये हमारा क्या फ्रेंड? एक ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। जैसे कि अ लेटर, है ना, अ लेटर वॉज नॉट रिटन बाई हिम। जैसे फ्रेंड आप देख रहे हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस, है ना। तो फ्रेंड क्वेश्चन हमारा जब भी बीच में आता है तो किस तरीके से हम इस सेंटेंस को बनाते हैं? तो फ्रेंड सबसे पहले क्या करते हैं हम, जैसे व्हेन, व्हाई, है ना, वेयर, व्हाट, है ना, हाउ, जैसे कि ये सब पहले आता है तो सबसे पहले हम इसकी इंग्लिश लिखते हैं, फिर डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर एसेट्रा। जैसे फ्रेंड आप देख रहे हो व्हेन डिड आई राइट अ लेटर, तो फ्रेंड ये हमारा क्वेश्चन मार्क है, सबसे पहले क्वेश्चन मार्क की हम इंग्लिश लिखते हैं, ठीक है। फिर फ्रेंड क्या करते हैं हम, ऑब्जेक्ट देखते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करते हैं, तो व्हेन अ लेटर वॉज रिटेन बाई मी। तो फ्रेंड अब मैं आपको इसका नेगेटिव बता रही हूँ, सबसे पहले क्वेश्चन मार्क इंग्लिश लिखते हैं, फिर डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर एसेट्रा। ये हमारा क्या फ्रेंड? एक्टिव में है। फिर देखो फ्रेंड एक्टिव का पैसिव हम कैसे चेंज करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखते हैं, फिर डिड को हम वॉच वर्ब में चेंज करते हैं। फ्रेंड मैंने देखो यहाँ पर लिखा भी, आपको रिटर्न भी कर दिया है, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर वाई, फिर ऑब्जेक्ट, फिर एसेट्रा। जैसे फ्रेंड आप देख रहे हो एग्जाम्पल में, व्हेन डिड आई नॉट राइट अ लेटर, तो व्हेन अ लेटर वाज नॉट रिटन बाई मी। फ्रेंड आप देख रहे हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस, जो क्या शब्द पहले आता है तो कैसे हम इसको एक्टिव पैसिव बनाते हैं। आते हैं तो सबसे पहले डिड आई राइट अ लेटर, क्या मैंने एक पत्र लिखा। तो डिड को हम किस में चेंज करते हैं फ्रेंड? वॉज वर्ब में चेंज करते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड ये हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट को किस में चेंज कर देंगे फ्रेंड? या हम सब्जेक्ट में चेंज कर देंगे। तो अ लेटर एक सिंगुलर भी है, क्या है? सिंगुलर है, जिसे फ्रेंड हम हिंदी में एक वचन कहते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड देखो यहाँ पर हमने वॉच किया, है ना, किसके लिए अकॉर्डिंग किया फ्रेंड? हमने देखो यहाँ पर अ लेटर के अकॉर्डिंग किया। ए लेटर क्या हमारा? सिंगुलर है, एक वचन है, तो इसलिए वॉच अ लेटर रिटन बाई मी, ठीक है। जैसे डिड आई नॉट राइट अ लेटर, ठीक है, तो वॉच, है ना, अ लेटर, ठीक है, नॉट रिटन बाई मी। फ्रेंड जिस तरीके से मैंने आपको ये पास्ट इनडेफिनिट टेंस के एक्टिव पैसिव अंडरस्टैंड किए हैं तो फ्रेंड आप सबके समझ में आ गया होगा। लेकिन फ्रेंड यदि किसी भी स्टूडेंट के समझ में नहीं भी आता है तो फ्रेंड मुझे प्लीज़ वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। लेकिन फ्रेंड क्या होता है कि एक्टिव पैसिव से पहले फ्रेंड मैंने आपको टेंस फिनिश करा दिए हैं, सारे टेंस फिनिश हो चुके हैं फ्रेंड आपके, ठीक है।
अगर किसी स्टूडेंट ने टेंस की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ टेंस की सबसे पहले वीडियो को देखो, ठीक है। उसके बाद आप एक्टिव पैसिव की मेरी वीडियो को वॉच करो, जिससे कि फ्रेंड आपको अंडरस्टैंड होने में बिल्कुल परेशानी भी नहीं आएगी। फ्रेंड देखो इससे क्या होता है, ये सबसे पहले मैं आपको टेंस के एक्टिव पैसिव करा रही हूँ, फिर फ्रेंड मैं आपको लेट के भी कराऊँगी, है ना, लोका स्टेड काइंडली प्लीज़ जो भी आता है सबके कराऊँगी, ठीक है। तो फ्रेंड अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो, पहली बार मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हो, तो प्लीज़ मेरे सभी स्टूडेंट से या सभी से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि मेरी चैनल के बेल आइकन को प्रेस करके सब्सक्राइब करना ना भूलें, और फ्रेंड मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना भी ना भूलें, जिससे कि आने वाले नोटिफिकेशन आपको जल्दी ही प्राप्त हो जाए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।